हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अतुल एजुकेशन। तो जैसा कि स्टूडेंट आपको पता है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ गई है और ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है मुंबई यूनिवर्सिटी में इस साल से एप्लीकेबल भी हो गई है। और लेकिन हर एक कोर्स में एप्लीकेबल नहीं हुई है। जो मास्टर के कोर्स है एम.कॉम, इसमें एप्लीकेबल हो गई है। और एम.कॉम में एप्लीकेबल होने के बाद पूरे एग्ज़ाम पैटर्न में चेंजेस आ गया है। जो पुराना एग्ज़ाम का पैटर्न था वो पूरा चेंज हो चुका है। पेपर पैटर्न्स पूरे चेंज हो चुके हैं। तो मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ कि जो न्यू एग्ज़ाम पैटर्न है, एग्ज़ाम पैटर्न मीन्स कैसे एग्ज़ाम होने वाले हैं और पेपर पैटर्न्स कैसा होने वाला है, कितने मार्क्स का एग्ज़ाम रहेगा, कितने टाइप्स के क्वेश्चन आएंगे, कितने मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। क्योंकि यदि न्यू एजुकेशन पॉलिसी है और इसके बारे में आपके पास पुराना कोई डेटा नहीं है तो आपको नए डेटा के लिए बहुत प्रिपेयर होना पड़ता है स्टूडेंट। क्योंकि पहले क्या था, आपको पहले से क्लियर था, सब चीज़ें पता था, बट न्यू एजुकेशन पॉलिसी आने के बाद बहुत कुछ बदल गया है। तो मैं आपको पूरा इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ डिटेल में। तो चलो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। एम.कॉम में 2023-24 से एप्लीकेबल हो गया है न्यू एजुकेशन पॉलिसी। आपको कन्फ्यूज नहीं रहना है। इसके अंदर सब्जेक्ट भी चेंज हो चुके हैं। पुराने जो एम.कॉम में सब्जेक्ट थे वो अलग थे, अभी के न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर जो सब्जेक्ट है वो अलग है। यदि आपने एडमिशन लिया है तो आप लोग को बुक परचेस करना है। यदि नहीं मिल रहा है तो आपको ट्राई करना कि कौन कौन से रेफरेंस बुक से पढ़ना है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। चलो स्टूडेंट आते हैं पेपर पैटर्न्स पे कि इसके पेपर पैटर्न और एग्जाम में क्या चेंजेस आया। इसके पहले मैंने ऑलरेडी बता दिया हूँ कि कौन कौन से सब्जेक्ट है, उसके अंदर कौन कौन से चैप्टर है, वो सब मैं आपको एक्सप्लेन करके लास्ट वीडियो में मैंने आपको बता दिया था। अभी हम लोग एग्जाम की बात करें तो एग्जाम को देखो कैसे यहाँ पर डिवाइड किया गया है। सबसे पहले हम लोग एग्जाम की बात कर लेते हैं। यहाँ पर एग्जाम को टोटल यहाँ पर दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है स्टूडेंट। चलो कैसे डिवाइड किया गया है मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर जस्ट वेट, हाँ तो स्टूडेंट आपके जो एग्जाम पैटर्न्स है और पेपर पैटर्न्स ऐसे है कि आपके टोटल 100 मार्क्स के एक सब्जेक्ट का एग्जाम होगा। ऐसे आपके जितने भी सब्जेक्ट रहेंगे, 4 सब्जेक्ट 5 सब्जेक्ट जो भी है, उनके आपके 100 मार्क्स के एग्जाम होंगे। लेकिन वो 100 मार्क्स कैसे रहेगा, टोटल 100 मार्क्स को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। 50 मार्क्स का एग्जाम और 50 मार्क्स का एग्जाम। और ये 50 मार्क्स का एग्जाम क्या है, मैं आपको इसको डिटेल में पूरा एक्सप्लेन करता हूँ। आप एक एक चीज़ को बहुत ही बारीकी से, बहुत ही अच्छे से समझने की ज़रूरत है, क्योंकि एग्जाम में सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट्स होता है किसी भी कोर्स का। तो सबसे पहले जो आपका 50 मार्क्स के जो एग्ज़ाम है स्टूडेंट, वो ऐसा है कि 50 मार्क्स आपके क्लास असेसमेंट है। मतलब क्या, टोटल 100 मार्क्स का पेपर हुआ किसी सब्जेक्ट का। मान लेते हैं यहाँ पर टैक्स का या एफए का, एडवांस अकाउंटिंग का पेपर है। तो इसको हम लोग दो पार्ट्स में पहले समझते हैं। ये 50 मार्क्स आपके कॉलेज असेसमेंट रहेगा। कॉलेज असेसमेंट मतलब कॉलेज के अंदर ही इसके 50 मार्क्स के एग्ज़ाम जो भी रहेंगे, वो होगा, कैसे होगा वो मैं बताऊँगा। और 50 मार्क्स के आपके एक्सटर्नल एग्ज़ाम होगा, जिसके लिए जैसे आपके सेंटर जाते हैं, जाकर आपको कॉलेज में जाके एग्ज़ाम देना पड़ेगा। तो ये 100 मार्क्स के एग्ज़ाम को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया। इतना क्लियर हो गया। अभी आगे बताता हूँ कि वो 50 मार्क्स के जो एग्ज़ाम रहेगा कैसी उसका वैल्यूएशन करना है। और इनकेस स्टूडेंट की आपको आपके प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में यदि डिफ़िकल्टी आती है एम.कॉम में और आपको लगता है कि स्टूडेंट आपको क्लासेस ज्वाइन करना है, तो आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। जो भी न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंडर में सिलेबस है वो सब मैं आपको टीच करके मिल जाएगा, क्योंकि मैं ये सब सब्जेक्ट ऑलरेडी टीच करता हूँ। तो आप लोग इस पर मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। नहीं भी आपको ज्वाइन करना है तो भी नंबर सेव करके रख सकते हो। कुछ भी डाउट रहेगा तो आप लोग व्हाट्सअप कर सकते हो। 9820827674 मेरा नंबर है। और आप लोग से रिक्वेस्ट, यदि इंस्टाग्राम आई डी को फॉलो कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है स्टूडेंट। अभी हम लोग आते हैं टॉपिक पे कि जो 100 मार्क्स के एग्ज़ाम में से 50 मार्क्स के आपके एग्ज़ाम जो है वो कॉलेज के ऊपर है, उसको हम लोग बोलते हैं कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन। अभी ये 50 मार्क्स को कैसे डिवाइड किया गया है, तो ये 50 मार्क्स का जो एग्ज़ाम जो आपके कॉलेज में होने वाले हैं, उसको उसमें से आपका 20 मार्क्स का एक टेस्ट होगा, मतलब रिटर्न एग्ज़ाम होगा, आपका क्लास टेस्ट होगा, जिसको हम लोग इंटरनल एग्ज़ाम भी बोलते हैं। 20 मार्क्स का आपको एग्ज़ाम लिया जाएगा, जिसके अंदर आपके ऑब्जेक्टिव कुछ रहेंगे, कुछ क्वेश्चन रहेंगे। इस तरीके के क्वेश्चन आपको पूछकर 20 मार्क्स के आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं। अभी 50 में से 20 मार्क्स के आपके क्लास टेस्ट होगा, मतलब इंटरनल एग्ज़ाम होगा, आप लोग ऐसे समझ सकते हो। बाकी के 20 मार्क्स जो रहेंगे आपको, उसके लिए आपको एक प्रोजेक्ट दिया जाएगा। या कुछ असाइनमेंट दिए जाएंगे, वो आपको लिखना है और उसकी वाइवा होगा, मतलब उसके बारे में आपको कुछ पूछा जाएगा थोड़ा बहुत। तो 40 मार्क्स यहाँ से हो गया। 10 मार्क्स आपके अटेंडेंस के ऊपर रहेगा, आप क्लास में कितना एक्टिव हो, कितना पार्टिसिपेट करते हो, ये पूरा टीचर के हाथ में रहेगा, वो आपको 10 में से 10 मार्क्स दे सकती है। तो इस तरीके से 50 मार्क्स आपका कैसे डिवाइड हो गया, जो कॉलेज में है 20 मार्क्स का आपको रिटन एग्जाम देना है, 20 मार्क्स के आपके प्रोजेक्ट और वाइवा देना है, और 10 मार्क्स आपके अटेंडेंस और क्लास में पार्टिसिपेशन है, जो कि ऐसा पहले नहीं था स्टूडेंट, ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से आया। बट मैं आपको श्योरिटी दे रहा हूँ कि इसमें आराम से आप इंटरनल में पास हो जाओगे, क्योंकि आप प्रोजेक्ट लिख के दे रहे हो, इंटरनल एग्जाम में 10 मार्क्स आपके टीचर के हाथ में, तो आप इजीली पास हो जाओगे। अभी बात कर लेते हैं कि जो ये 50 मार्क्स का एग्जाम होगा आपके कॉलेज में, उसमें से पास होने के लिए कितने मार्क्स चाहिए। तो 50 का स्टूडेंट 40% चाहिए, पासिंग क्राइटेरिया जो 40% होता है, तो 40% न्यू एजुकेशन पॉलिसी में भी रखा गया है। तो ये बनता है आपका 20 मार्क्स। तो आपको 50 में से 20 मार्क्स आपके जो कॉलेज के अंदर एक्टिविटीज़ होने वाली है उसमें से लाना, मतलब आप यदि क्लास टेस्ट में ही 20 में से 20 ला दिए तो भी आप पास हो, आप वाइबा प्रोजेक्ट देके 20 में से 20 ला दिए तो भी पास हो, 10 मार्क्स आपको इधर से मिल गया और ये सब में से मिला के 10 मार्क्स मिल गया तो भी आप पास हो, मतलब ये सब का मिला के आपको 20 मार्क्स आपको आना चाहिए हर एक सब्जेक्ट में। जैसे आपके पास 4 सब्जेक्ट है तो हर एक सब्जेक्ट में 20-20 मार्क्स आपको पास होने के लिए चाहिए, मतलब ओवरऑल आपको 40% मिनिमम पास होने के लिए चाहिए। ये आपको समझ गया आई थिंक कि जो आपका कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन, मतलब जो कॉलेज असेसमेंट है उसके क्या तरीके रहेंगे। अभी आपका इसके बाद क्या होगा, आपका सेमेस्टर एंड एग्जाम होगा, मतलब फर्स्ट सेम का एंड का एग्जाम होगा। 50 मार्क्स ऊपर कवर हो गया कॉलेज में, ये इसको हम लोग यूनिवर्सिटी असेसमेंट बोलते हैं। 50 मार्क्स मतलब इसके यूनिवर्सिटी एग्जाम कंडक्ट करेगी, वो एग्जाम कैसे रहेंगे, टोटल 50 मार्क्स का आपका एग्जाम रहेगा, जिसके लिए आपको टाइम ड्यूरेशन 2 आवर्स का मिलेगा, 2 घंटे के आपके पेपर होंगे। अभी वो पेपर कैसे होंगे, पेपर के अंदर टोटल आपके 4 क्वेश्चन दिए जाएंगे। पहला क्वेश्चन के अंदर एक इंटरनल ऑप्शन रहेगा, मतलब 2 क्वेश्चन दिया रहेगा, 2 में से कोई भी एक अटेंड आपको करना है। आपका जो फर्स्ट यूनिट रहेगा, हर एक सब्जेक्ट के पेपर पैटर्न ऐसे ही रहेंगे, फर्स्ट यूनिट में से क्वेश्चन रहेगा जो कि 14 मार्क्स का आपका हो सकता है, 14 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे। दूसरा जो क्वेश्चन रहेगा उसके अंदर भी सेम 2 में से कोई भी एक आपको अटेम्प्ट करने रहेंगे, जो कि मॉडल 2 या दूसरे यूनिट से रहेगा, मॉडल नहीं बोल सकते क्योंकि 2 मॉडल में 4 यूनिट है टोटल, तो दूसरे वाले यूनिट से मतलब दूसरे चैप्टर से आपको रहेंगे 12 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे। ऐसे क्वेश्चन नंबर जो 3 रहेगा थर्ड यूनिट से रहेगा, जहाँ पर 2 क्वेश्चन दिए रहेंगे, उसमें से ये आपको एक अटेम्प्ट करना रहेगा। और ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 4 जो रहेगा वो आपका जो रहेगा वो 4th वाले यूनिट से रहेगा, जहाँ पर सॉल्व और शॉर्ट नोट्स दोनों ऑप्शन रहेंगे, चाहिए तो आप प्रैक्टिकल सॉल्व करो या तो शॉर्ट नोट्स लिखो, वो भी 12 मार्क्स करेगा। अभी ये जो थियोरी सब्जेक्ट के क्वेश्चन रहेंगे पर यूनिट में भी सब डिवाइडेड 4-4 मार्क्स के भी हो सकते हैं, ठीक है, 4-4 मार्क्स के भी क्वेश्चन डिवाइड हो सकते हैं थियोरेटिकल पार्ट्स के जो रहेंगे। ऐसे ओवरऑल आपके कितने 100 मार्क्स होते हैं, तो 100 मार्क्स में से आपको पास होने के लिए 40 मार्क्स लाना है, लेकिन पास दोनों में होना, मतलब आपके कॉलेज असेसमेंट में भी 20 मार्क्स लाना है और यूनिवर्सिटी असेसमेंट में भी आपको 20 मार्क्स लाना है, टोटल मिला के आपको 40 मार्क्स पास होने के लिए चाहिए। और यदि हम लोग बात करें पेपर पैटर्न्स का, ठीक है, तो पेपर पैटर्न्स मैंने बता दिया कि कैसे रहेगा। यहाँ पर जैसे कुछ ऐसे पेपर पैटर्न्स 2 क्रेडिट वाले जो लोग रहेंगे, ये तो फिलहाल आप लोग को शायद से नहीं है, उसमें क्लास टेस्ट के 10 मार्क्स रहेंगे, ठीक है, वो अलग है, तो आप लोग को अभी नहीं है। यहाँ पर 10 मार्क्स के वाइबा, 5 मार्क्स से 25 मार्क्स हो जाएगा, 25 मार्क्स के इनके एग्जाम होंगे, ठीक है, 2 क्वेश्चन रहेंगे, तो यहाँ पर 50 मार्क्स हो गया, ठीक है। तो जैसे कि वापस मैं आपको बता देता हूँ, तो ये फिलहाल आपको नहीं है तो आप अब इसको इग्नोर करो। जिनके 50 मार्क्स के पैटर्न के हिसाब से होगा उनको 25 मार्क्स का कॉलेज असेसमेंट रहेगा, उनका जहाँ पर आपका क्लास टेस्ट 20 मार्क्स का था 10 मार्क्स का हो जाएगा, प्रोजेक्ट असाइनमेंट 10 मार्क्स, एक्टिव अटेंडेंस के 5 मार्क्स 25 मार्क्स हो जाएंगे। और पेपर जो रहेंगे 2 यूनिट में से आएंगे, यहाँ पर 13 मार्क्स और 12 मार्क्स के हिसाब से तो ये हो गया, ठीक है। अभी इसमें पासिंग के क्या क्राइटेरिया है पूरा यहाँ पे डिटेल में आपको दिया है, मैं बता देता हूँ। पेपर पैटर्न्स में 50 में से 25 मैंने बता दिया उन लोग के थे, ठीक है, 5 मार्क्स यहाँ पर क्वेश्चन थे। अभी हाँ, इसके पासिंग के क्राइटेरिया यहाँ पर दिया है 100 मार्क्स वाले। आपको 100 मार्क्स के पेपर का मैं बता देता हूँ। पेपर पैटर्न्स इंटरनल आपके 50 मार्क्स हैं, एक्सटर्नल 50 मार्क्स हैं। इंटरनल 50 मार्क्स में ऑलरेडी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था, प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन हो गया आपको, ठीक है, क्विज डिस्कशन ये सब आपको दिया जा सकता है। पेपर प्रेजेंटेशन सेमिनार के लिए बोला जा सकता है। और 20 मार्क्स के क्लास टेस्ट रहेंगे, मतलब टोटल मिला के आपको 50 मार्क्स रहेगा। एक तो आपको एक्टिव जो पार्टिसिपेट करोगे उसका 10 मार्क्स, बाकी प्रोजेक्ट वाइबा मिला के 20 मार्क्स होते हैं, 20 मार्क्स का टेस्ट होगा, टोटल 50 मार्क्स होगा यहाँ पर। एक्सटर्नल वाले 50 में कैसे रहेंगे, पेपर पैटर्न जो एक्सटर्नल एग्जाम हो गया जिसके सेंटर जाने वाले हैं उसमें आपको केस स्टडी दिया रह सकता है, ठीक है, 10 मार्क्स के लिए। आंसर दी फॉलोइंग ए बी करके दिया रहेगा, तो दोनों में से कोई भी एक अटेंड करना है। यहाँ पर आंसर ऑफ द फॉलोइंग एनी वन करना है, ए बी में से वापस से करना, ठीक है। तो ये भी पेपर पैटर्न फॉलो होगा, तो ऊपर जो मैंने बताया उसको आपको फॉलो करना है। यहाँ पर लास्ट में आपको ग्रेड मिलेगा, तो कैसे कितने ग्रेड मिलेंगे वो यहाँ पे दिया गया कि कितने परसेंट से बीच में रहेगा तो कैसे ग्रेड मिलेगा। इसके ऊपर मैं सेपरेट वीडियो बना के एक्सप्लेन कर देता हूँ, पहले ऊपर का आपका पेपर पैटर्न्स का पूरा क्लियर कर दूँ मैं। तो यहाँ पर पेपर पैटर्न में आई थिंक आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। यहाँ पर लिखा हुआ, ठीक है, रेफरेंस के लिए क्या क्या चीज़ें यूज किया गया है पूरा डिटेल है मेरे पास। यदि कहीं पर डाउट रहेगा तो आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ये जो नीचे वाला मैंने बताया पैटर्न 21 के लिए प्रोग्राम नेम है M.Com एडवांस अकाउंटिंग, कोर्सेस नेम है रिसर्च मैथोलॉजीज इन कॉमर्स मैनेजमेंट, मतलब ये सब थियरी सब्जेक्ट के नीचे वाले मैंने बताया, ठीक है। नीचे वाले जो पेपर पैटर्न्स बताए ये सब थियरी के लिए है, क्योंकि थियरी के लिए उसमें क्वेश्चन रहते हैं, तो उसके अंदर क्वेश्चन लिखने के लिए जो है 10-10 मार्क्स के इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आपको दिया रहेगा 10-10 में से कोई भी एक अटेंड कर लिया, ऐसे करके इसके क्वेश्चन यहाँ पे रहेंगे 10-10, यहाँ पे 25 हो गया, ठीक है। और इसके बारे में भी सेम ही है थियोरी के लिए। यदि 50 मार्क्स का रहेगा तो एक तो केस स्टडी 10 मार्क्स का दे देंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में 10-10 मार्क्स के 2 क्वेश्चन रहेगा, कोई भी अटेंड कर सकते हो थियोरी। क्वेश्चन नंबर 3 में सेम 10-10 मार्क्स के रहेंगे, कोई भी एक अटेंड कर सकते हो, सेम यहाँ पर। तो टोटल 50 मार्क्स हो जाएगा। आई थिंक आपको अभी कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगा। इनकेस कोई कन्फ्यूजन रहेगा तो आप लोग बेफिक्र होकर मुझे कमेंट करिए स्टूडेंट, मैं ट्राई करूंगा आप लोग को न्यू एजुकेशन पॉलिसी से रिलेटेड जो भी डाउट रहेगा क्लियर करने के लिए।